सोने में अब जो है दो तीन तरीके हैं। एक सीधे सोने का तरीका है ये शवासन। आप ऐसे साक्षी भाव से अपने माथे को, चेहरे को, किसी किसी को बहुत स्ट्रेस में जीने का अभ्यास हो जाता है, स्वभाव हो जाता है, तो उनका माथा, उनकी आंखें, उनका चेहरा हमेशा चढ़ा रहता है, हमेशा तनाव में रहता, खींचा रहता है, वो ठीक नहीं है। तो जिनका इस तरह से स्वभाव हो गया तो अपने आप को साक्षी भाव से देख करके रिलैक्स किया करें। माथे को, हाथों को, पेट, पीठ को, फेफड़ों को, हृदय को, कमर को, फिर पूरे पैरों को ऐसे साक्ष्य भाव से देखा, सांसों पर मन को केंद्रित किया और बस, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, इस स्वभाव में अपने इस स्वरूप में, अपने इस भीतर की निजता, पूर्णता, दिव्यता में खो गए। ऐसे हमें तो ऐसे कुछ सेकेंड लगते हैं सोने में और सो जाते हैं ऐसे। तो ये सबसे अच्छा तरीका है सोने का, शवासन। फिर दूसरा तरीका होता है ऐसे करवट से सोना, ऐसे सोते हैं, तकिए लग जाता है, ऐसे हाथ फ्री रहता है, ऐसे सो जाते हैं, इसमें कमर सीधी रहती है, ये सोने का सही तरीका है। दो, तीसरा, किसी किसी को उल्टा सोने की आदत होती है तो उल्टे सोने में ऐसे सोया करें, इस तरह से ऐसे सो सकते हैं, इस तरह से थोड़ा सा पैर हल्का सा मोड़ा, ज़्यादा नहीं, और ऐसे सो सकते हैं। ये तो सोने के सही तरीके हैं। बाकी जो सोने के गलत तरीके, इसमें सबसे ज़्यादा ऐसे पैर बहुत ज़्यादा मोड़ करके सोना, एक पैर ऊपर से ऐसे नीचे ला करके सोना, इस तरह से सोना, इससे पूरा कमर का बैलेंस बिगड़ जाता है। खैर, बात छोटी सी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे सोने के तौर तरीके ठीक होने चाहिए।